हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज के साथ। रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का, चंडीगढ़ से आपको बता दें जहां पर आज होगी हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक, आज कैबिनेट की मीटिंग होनी है। जैसा कि कल आपको जानकारी दी थी, शाम 5 बजे मीटिंग होगी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। 11 बजे ये कैबिनेट की मीटिंग आज होनी थी, लेकिन बड़ौदा उपचुनाव को लेकर गहमा गहमी के बीच टाइम शिफ्ट कर दिया गया था और शाम 5 बजे होगी मंत्रिमंडल की बैठक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे, कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं कैबिनेट की मीटिंग में। शाम 5 बजे सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग होगी। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश गुप्ता जुड़ चुके हैं। राकेश जी, क्या जानकारी मिल रही है शाम के 5 बजे की इस मीटिंग को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए आप जानते हैं कि ये मंत्रिमंडल की बैठक आज पहले 11 बजे होनी थी, लेकिन इसके बाद कुछ सीएम साहब की व्यवस्थाओं के चलते 11 से अलग कर इसका समय 5 बजे कर दिया गया है। और सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है, 2 दर्जन के लगभग जो हैं आज की बैठक में बताया जा रहा है फैसले हो सकते हैं। इसमें प्रमुख फैसला यही है कि जो दक्षिणी बिजली का एक जो दक्षिणी हरियाणा वितरण निगम है, उसको क्योंकि कैपिटल के लिए 700 करोड़ रुपए की गारंटी देने के प्रस्ताव को जो है हरियाणा का जो मंत्रिमंडल है वो अपनी सहमति दे सकता है। और उदय ये जो योजना है वितरण निगमों में उसके परिचालन और वित्तीय बदलाव के लिए जो है बिजली विभाग के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल मंजूरी दे सकता है। इसके साथ साथ जो और सूत्रों का कहना है, जो जानकारी मिल रही है कि जो प्रशासनिक राज आयोग है उसमें एक से अधिक सदस्य बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश गुप्ता जी जानकारी के लिए। शाम 5 बजे ये मीटिंग होनी है, कई है।